नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी पटना से। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में सुबह से ही बड़ी छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। खबर ये है कि सुबह के 5 बजे से ही ताबड़तोड़ छापेमारी फुलवारी शरीफ के 2 जगहों पर चल रही है। पीएफआई मामले में ये छापेमारी हो रही है। और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुबह 5 बजे ही लगभग 100 की संख्या में पुलिस वाले इस इलाके में घुस गए और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। क्यों की जा रही है ये छापेमारी? हालांकि पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी करना जो है वो नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये इलाका जो है काफी सुर्खियों में आ चुका है। पीएफआई का मामला इससे पहले भी उठा था, लेकिन एक बार फिर से फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम जो है लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है सुबह से ही। क्यों की जा रही है छापेमारी और क्या कुछ है? इसको लेकर के मामला सामने आया है, क्या बातें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको अगर विस्तार से बताएं तो पीएफआई मामले में एनआईए की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में 2 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। और खबर है कि फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद से जुड़े मरगूब अहमद उर्फ दानिश के घर पर ये टीम पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि एनआईए की ये छापेमारी सुबह 5 बजे से ही चल रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ एनआईए के अधिकारी भी फुलवारी शरीफ पहुंचे हैं और गजवाए हिंद से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही है। लगभग 100 की संख्या में पुलिस बल छापेमारी करने पहुंचे हैं। इस बार कई महिला पुलिसकर्मियों को भी रेड में शामिल कराया गया है। सुबह सुबह एनआईए की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को देखते ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब फुलवारी शरीफ इलाके में इस तरह की छापेमारी चल रही है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो थोड़ा असहज जरूर हुए हैं। जो आम जनमानस है उनके बीच में थोड़ा कौतूहल है, थोड़ा हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर कि अब फुलवारी शरीफ में कौन सा नया मामला निकलकर सामने आएगा। इससे पहले भी फुलवारी शरीफ में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जो ये बात निकलकर सामने आई कि देश विरोधी गतिविधियां, राज्य विरोधी गतिविधियां यहां पर संचालित की जा रही हैं, जिसके एवज में पिछले दिनों भी छापेमारी की गई थी। वो मामला भी बिहार में खूब जोर शोर से उठा था, लेकिन एक बार फिर से अब जो है एनआईए की टीम भारी पुलिस बल के साथ सुबह 5 बजे से ही फुलवारी शरीफ के 2 इलाकों में जो है लगातार छापेमारी कर रही है। गजवाए हिंद से जुड़े हुए मामले में एक शख्स के यहां छापेमारी कर रही ये टीम पहुंची है। उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जब छापेमारी पूरी हो जाती है तो जिस मामले में जो टीम तफ्तीश करने गई है, छापेमारी करने गई है, क्या कुछ हाथ लगता है, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है छापेमारी के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल फुलवारी शरीफ से बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से पटना के इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 100 से अधिक पुलिस बल वहां पर छापेमारी करने पहुंचे हैं। महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है इस रेड में। पिछली दफा ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जो है महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है। अब बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देखना यह है कि पिछली बार जब छापेमारी हुई थी तो कई सारे चौंकाने वाले मामले सामने आए थे, कई सारे बड़े खुलासे भी किए गए थे, लेकिन इस बार जो छापेमारी की जा रही है उसमें क्या कुछ निकलता है यह भी इंतजार का विषय रहेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।